हेलो दोस्तों दोस्तों मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूँ। आज की इस वीडियो में हम आपको अपने चैनल लोबी ट्विंस में बताएंगे फॉरेन पॉलिसी के बारे में। पॉलिटिकल साइंस में इंटरनेशनल रिलेशंस का बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक है फॉरेन पॉलिसी। इसका मीनिंग, डेफिनेशन और ऑब्जेक्टिव को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और इसका जितना भी पार्ट बचता है, जैसे कि एलिमेंट एंड डिटर्मिनेंट्स, जैसे कि इंडिया फॉरेन पॉलिसी, वो अगले पार्ट्स में डिस्कस करेंगे। तो आइए दोस्तों आज की वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले इंट्रोडक्शन के साथ इस टॉपिक को शुरू करते हैं। तो इंट्रोडक्शन में आप लिख सकते हो कि आज का जो ईरा है वो ईरा ऑफ इंटरनेशनलिज्म है। इंटरनेशनलिज्म है, अर्थात जो टुडेज ईरा है, इट इज ईरा ऑफ अंतर्राष्ट्रीयवाद। इन द टुडेज ईरा नो नेशन इज सेल्फ सफिशियंट, नो नेशन इज सेल्फ सफिशियंट। कोई भी ऐसा नेशन नहीं है जो सेल्फ सफिशियंट है, अपने आप में उसके पास सारा कुछ है, ऐसा कोई नेशन नहीं है। एवरी नेशन डिपेंड्स अपॉन अदर, एवरी नेशन डिपेंड्स अपॉन अदर फॉर इट्स वेरियस नीड्स, फॉर इट्स वेरियस नीड्स। लाइक कोई किसी पर किसी कंट्री के पास अपने नेचुरल रिसोर्सेज नहीं है, किसी कंट्री के पास अपना जो है वो टेक्नोलॉजी की कमी है, किसी कंट्री के पास वाटर की कमी है। तो इस टूडेज ईरा में हर कोई कंट्री दूसरे के ऊपर अपनी नीड्स को लेके डिपेंड है। कोई भी कंट्री ऐसी नहीं है जो ये बोले कि भाई मेरे पास तो सब कुछ है, मुझे किसी की जरूरत ही नहीं है और मैं अकेली सर्वाइव कर लूंगी। देर इज नो वन कंट्री विच कैन से दिस थिंग दैट दैट कंट्री कैन लिव सेपरेटली इन आइसोलेशन। नो वन कंट्री इन रियलिटी, नो वन कंट्री लिव इन आइसोलेशन, कैन लिव इन आइसोलेशन। कोई भी कंट्री अकेलेपन में नहीं रह सकती। तो देयर फोर इफ वी ऑल आर डिपेंडिंग अपॉन ईच अदर, द कंट्रीज आर डिपेंडिंग अपॉन ईच अदर, देयर फोर कंट्रीज आर रिक्वायर्ड टू मेक इंटरनेशनल रिलेशन। कंट्री को जरूरत है कि वो इंटरनेशनल रिलेशन बनाए। जब इंटरनेशनल रिलेशन बनेंगे तभी तो वो अपनी जरूरतों को पूरा करेगी, दूसरी कंट्री से हेल्प लेगी। तो देयर फोर एवरी नेशन इज रिक्वायर्ड टू मेक द इंटरनेशनल रिलेशंस विद अदर, एंड इन ऑर्डर टू मेक दीज इंटरनेशनल रिलेशंस दे आर रिक्वायर्ड टू मेक अ पॉलिसी फर्स्ट, दे आर रिक्वायर्ड टू मेक अ पॉलिसी फर्स्ट, दे आर रिक्वायर्ड टू मेक अ पॉलिसी फर्स्ट नोन एज द फॉरेन पॉलिसी। क्या बोल रहा हूँ मैं आपको कि इस देश में, इस वर्ल्ड में, इस संसार में हर देश एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है। कोई भी कंट्री सेल्फ सफिशियंट नहीं है, सभी को अपनी नीड्स के लिए दूसरे के ऊपर डिपेंड रहना पड़ता है। तो जब दूसरे के ऊपर डिपेंड रहना पड़ता है तो दूसरे के साथ रिलेशन बनाने पड़ते हैं, और रिलेशन बनाने के लिए वो अपने कुछ सेट ऑफ प्रिंसिपल्स को तैयार करते हैं। द कंट्रीज प्रिपेयर द सेट ऑफ प्रिंसिपल्स, वो अपने कुछ रूल्स तैयार करते हैं, अपना मसौदा तैयार करते हैं, अपनी पॉलिसी तैयार करते हैं दूसरी कंट्री से रिलेशनशिप बनाते टाइम, कि हम दूसरी कंट्री से रिलेशन बनाएंगे और हमारी ये पॉलिसी रहेगी उन रिलेशंस के लिए। तो इसी पॉलिसी को हम फॉरेन पॉलिसी बोल देते हैं। बच्चों फॉरेन पॉलिसी जो कंट्री की होती है ये कोई एक सिंपल सी पॉलिसी नहीं होती, ये सेट ऑफ पॉलिसीज हो सकती है जो कंट्री टू कंट्री डिपेंड करती है। किसी कंट्री के साथ रिलेशन बनाना है तो अलग पॉलिसी रहेगी, किसी और कंट्री के साथ रिलेशन बनाना है तो हमारी अलग पॉलिसी रहेगी। वो कंट्री के वेरियस फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है कि हमने अपनी फॉरेन पॉलिसी में क्या चीजें ऐड करनी है किसी कंट्री के साथ रिलेशनशिप बनाते हुए। तो ये सारी बातें यू कैन राइट डाउन इन द इंट्रोडक्शन। नाउ विल स्टार्ट विद द मीनिंग ऑफ फॉरेन पॉलिसी। तो मेरे दोस्तों अब अगर मैं फॉरेन पॉलिसी की बात करूं तो फॉरेन पॉलिसी का मतलब होता है फॉरेन पॉलिसी, जिसको कि एक्सटर्नल पॉलिसी भी बोलते हैं। फॉरेन पॉलिसी और एक्सटर्नल पॉलिसी ऑफ अ कंट्री इज इट्स ऑब्जेक्टिव्स एंड एक्टिविटीज इन रिलेशन टू इट्स इंट्रैक्शन विद अदर स्टेट्स। क्या मतलब हुआ कि फॉरेन पॉलिसी का मतलब है एक कंट्री के ऑब्जेक्टिव्स और एक कंट्री की एक्टिविटीज जो वो करेगी इन रिलेशन टू अदर कंट्रीज। अर्थात जब इंटरनेशनल रिलेशंस एक कंट्री बनाती है दूसरी कंट्री के साथ तो उसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, इसलिए वो दूसरी कंट्री के साथ इंटरनेशनल रिलेशंस बनाती है। वो कुछ एक एक्टिविटीज करती है, तो जो भी उसके ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, जो एक्टिविटीज करती है, इसी को हम फॉरेन पॉलिसी सिंपली
सिंपल भाषा में बोल देते हैं बच्चों। वहीं पे फॉरेन पॉलिसी इट कैन आल्सो बी डिफाइंड एज द प्रिंसिपल्स, प्रिंसिपल्स मतलब रूल्स, एज द डिसीजंस, एज द मीन्स, चाहे प्रिंसिपल्स बोलो, रूल्स बोलो, डिसीजन बोलो, मीन्स बोलो, अडॉप्टेड एंड फॉलोड बाय द नेशन व्हाइल डीलिंग विद द अदर नेशंस, व्हाइल डीलिंग विद द अदर नेशंस। और तीसरा, फॉरेन पॉलिसी इज अ पॉलिसी दैट डिटरमाइंस द बाइलैटरल और मल्टीलैटरल रिलेशंस विद कंट्री और कंट्रीज। तो बच्चों ये जो डेफिनेशन है आपने इतना टफ, इतना कॉम्प्लिकेट नहीं करना है, मैंने ये लिखी है ताकि आप कॉपीज में लिख सको, अदरवाइज सिंपल भाषा में आपने बोलना है कि फॉरेन पॉलिसी का मतलब होता है सेट ऑफ पॉलिसीज, सेट ऑफ प्रिंसिपल्स, सेट ऑफ रूल्स विच आर मेड बाई वन कंट्री फॉर मेकिंग इट्स रिलेशन विद अदर कंट्री, व्हाइल मेकिंग द रिलेशन विद अदर कंट्री वन कंट्री हैज टू फ्रेम द रूल विच द कंट्री विल फॉलो व्हाइल मेकिंग द रिलेशंस, देन दीज रूल्स आर कॉल्ड द फॉरेन पॉलिसी। तो जब भी एक कंट्री दूसरी कंट्री के साथ रिलेशन बनाती है तो रिलेशन बनाने से पहले वो कुछ बातों को ध्यान में रखती है, कुछ उसके प्रिंसिपल्स होते हैं जिनको वो हमेशा मानती है, तभी रिलेशन बनाएगी दूसरी कंट्री के साथ, और दूसरी कंट्री के साथ रिलेशन बनाते हुए उन प्रिंसिपल्स का वायलेशन नहीं करेगी, उन्हीं प्रिंसिपल्स को हम फॉरेन पॉलिसी बोल देते हैं। मैं एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल इंडिया जो है वो अमेरिका के साथ रिलेशन बना रहा है, तो इंडिया रिलेशन बनाते हुए एक पॉलिसी हमेशा ध्यान रखिएगा, वो है नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का वो हमेशा ध्यान रखिएगा। इसका मतलब क्या है कि जब कोल्ड वॉर हुआ था ना तो पूरा वर्ल्ड जो था वो दो पावर्स में डिवाइड हो गया था, एक रशिया एक अमेरिका। तो जब अगर इंडिया अमेरिका के साथ रिलेशन बना रहा है तो वो ये बात का ध्यान रखेगा कि उसने किसी भी कंट्री को सपोर्ट नहीं करना है, अर्थात ना तो रशिया को ना तो अमेरिका को। तो अगर वो रशिया के साथ रिलेशन बना रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट को खत्म कर दे, इसकी फॉरेन पॉलिसी का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। जब भी कंट्री, इसका मतलब क्या होता है एनएम का, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का मतलब होता है कि इंडिया किसी भी पावर का साथ नहीं देता, वो न्यूट्रल रहता है, वो सभी को एक समान देखता है, किसी एक के साथ वो नहीं होता, वो सभी के लिए, उसके लिए सभी इक्वल है। तो इंडिया जब भी अगर अमेरिका से रिलेशन बनाएगा तो वो हमेशा इसका ध्यान रखेगा, अमेरिका से रिलेशन बनाते हुए वो ऐसा नहीं करेगा कि वो अमेरिका का ही साथ दे और रशिया के अगेंस्ट हो जाए, ऐसा कभी नहीं करेगा, वो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट को हमेशा फॉलो करेगा। इसका मतलब हुआ क्या कि फॉरेन पॉलिसी कुछ प्रिंसिपल्स है, कुछ डिसीजंस है, कुछ मीन्स है, कुछ एक्टिविटीज है जो एक कंट्री अपनी दूसरी कंट्री के साथ रिलेशन बनाने के दौरान उसको फॉलो करती है। अब इसके कुछ एक डेफिनेशंस देख लेते हैं दोस्तों। अब हम डेफिनेशंस को देख लेते हैं। सबसे पहले जॉर्ज वोडालस्की, MODELSKY, बड़े ही महत्वपूर्ण स्कॉलर इंटरनेशनल रिलेशंस के, इन्होंने क्या बोला है कि फॉरेन पॉलिसी इज द सिस्टम ऑफ एक्टिविटीज, इज द सिस्टम ऑफ एक्टिविटीज इवॉल्व, इवॉल्व बोलो या डेवलप्ड बोल सकते हो आप, डेवलप्ड इवॉल्व बाई कम्युनिटीज, कम्युनिटीज मतलब स्टेट्स, स्टेट्स कंट्रीज फॉर चेंजिंग द बिहेवियर ऑफ अदर स्टेट एंड फॉर एडजस्टिंग देयर ओन एक्टिविटीज टू द इंटरनेशनल एनवायरनमेंट। तो क्या बोलना चाहते हैं मोडेल्स्की, ये बोलना चाहते हैं कि फॉरेन पॉलिसी का मतलब है वो सारी एक्टिविटीज जो एक कंट्री दूसरी कंट्री का बिहेवियर चेंज करने के लिए यूज करती है, मतलब दूसरी कंट्री के साथ रिलेशंस बनाने के लिए जो अपने सेट ऑफ प्रिंसिपल्स रेडी करती है उसी को फॉरेन पॉलिसी बोला जाता है। इट इज बेसिकली सम ऑफ एक्टिविटीज डेवलप्ड बाय द कंट्रीज फॉर चेंजिंग द बिहेवियर ऑफ अदर स्टेट्स, फॉर अदर कंट्रीज एंड फॉर एडजस्टिंग देयर ओन एक्टिविटीज टू द इंटरनेशनल एनवायरनमेंट, और अपनी एक्टिविटीज को इंटरनेशनल एनवायरनमेंट में एडजस्ट करना। इस डेफिनेशन को पढ़ के हमें ये पता चल गया कि फॉरेन पॉलिसी जो है वो एक नेशन बनाता है, कब बनाता है दूसरे के साथ रिलेशनशिप बनाने के टाइम बनाता है, क्यों बनाता है दूसरे नेशंस को इन्फ्लुएंस करने के लिए, उसकी एक्टिविटीज उसके बिहेवियर को चेंज करने के लिए कुछ कार्यों के द्वारा। तो जब एक कंट्री अपनी एक सेट ऑफ प्रिंसिपल्स तैयार कर देती है जो वो दूसरे के साथ रिलेशंस बनाने के टाइम पर फॉलो करेगी उसी को फॉरेन पॉलिसी बोल दिया जाता है। उसी प्रकार सीसी रोहोट्स, RHODES, RHODES, ये क्या बोलते हैं, फॉरेन पॉलिसी इन्वॉल्व्स द फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन, फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सम प्रिंसिपल्स और ऑफ ग्रुप ऑफ प्रिंसिपल्स विच शेप द बिहेवियर पैटर्न ऑफ द स्टेट, शेप द बिहेवियर पैटर्न ऑफ द स्टेट वाइल नेगोशिएटिंग विद द अदर स्टेट
टू प्रोटेक्टिंग इट्स इंटरेस्ट। तो ये भी ये बोलना चाहते हैं कि जब एक कंट्री दूसरी कंट्री से रिलेशन बनाते टाइम कुछ पॉलिसीज बनाती है ताकि दूसरी कंट्री का बिहेवियर चेंज हो सके, अपना बिहेवियर वो दूसरी कंट्री के साथ नेगोशिएशन के टाइम पर चेंज कर सके, तो उसी को फॉरेन पॉलिसी बोला जाता है। फॉरेन पॉलिसी का मतलब कुछ पॉलिसी से है, कुछ प्रिंसिपल से है, कुछ इम्प्लीमेंटेशन और फॉर्मुलेशन ऑफ प्रिंसिपल से है जो एक कंट्री क्यों बनाती है दूसरी कंट्री के साथ नेगोशिएट रिलेशन बनाते हुए उसके और अपने बिहेवियर को चेंज करने के लिए बनाती है। तो बच्चों इन डेफिनेशन को पढ़ के और जो हमने अभी तक पढ़ा हमें ये पता चल गया कि भी फॉरेन पॉलिसी क्या है, वो प्रिंसिपल्स हैं, प्रिंसिपल्स बोल लो, वो रूल्स बोल लो, वो सेट ऑफ पॉलिसीज बोल लो, कुछ ही बोल लो जो एक कंट्री क्यों बनाती है दूसरी कंट्री के साथ इंटरनेशनल रिलेशंस बनाते टाइम दूसरी कंट्री का बिहेवियर चेंज करने के लिए, अपना दूसरी कंट्री के साथ बिहेवियर को रेगुलेट करने के लिए जो पॉलिसीज बनाई जाती हैं उसी को हम फॉरेन पॉलिसी बोलते हैं। मतलब फॉरेन पॉलिसी और इंटरनेशनल रिलेशंस का डायरेक्ट संबंध है। इंटरनेशनल रिलेशंस बनेंगे, जो बनेंगे तो कंट्रीज अपनी पॉलिसी बनाएगी, उसी को फॉरेन पॉलिसी बोल दिया जाएगा। अब हम पढ़ेंगे इसके ऑब्जेक्टिव। अब मेरे दोस्तों लास्ट में हम पढ़ेंगे कि फॉरेन पॉलिसी बनाने के ऑब्जेक्टिव्स क्यों क्या होते हैं, क्यों कंट्री एक फॉरेन पॉलिसी बनाती है। तो पहली बात आप ये समझ लीजिए कि फॉरेन पॉलिसी बनाई तब जाती है जब कंट्री ने इंटरनेशनल रिलेशन दूसरे कंट्री के साथ बनाने हो। अगर रिलेशन नहीं बनाने हैं तो फॉरेन पॉलिसी भी क्यों बनाएंगे, रिलेशन बनाने हैं तभी उन रिलेशन को रेगुलेट करने के लिए कुछ प्रिंसिपल्स बनाए जाते हैं उसको फॉरेन पॉलिसी बोला जाता है, आप सभी को पता है। तो बच्चों अब इंटरनेशनल रिलेशन क्यों बनाए जाते हैं इसके जो ऑब्जेक्टिव होंगे वही कहीं ना कहीं फॉरेन पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव होंगे, दोनों के ऑब्जेक्टिव सेम होंगे। तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन तो भी आप ये चीजें लिख सकते हो, और व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फॉरेन पॉलिसी तो आपने ये चीजें लिखनी है। तो सबसे पहला है डेवलपमेंट ऑफ नेशनल पावर, डेवलपिंग द नेशनल पावर। तो पहला जो फॉरेन पॉलिसी बनाने का मेन मोटो होता है वो अपनी कंट्री की पावर को डेवलप करना होता है। पावर का सिंपल सा मतलब होता है कैपेसिटी टू इन्फ्लुएंस द बिहेवियर ऑफ अदर, एंड नेशनल पावर मीन्स कैपेसिटी ऑफ अ कंट्री टू इन्फ्लुएंस द बिहेवियर ऑफ द अदर, कैपेसिटी ऑफ अ कंट्री टू इम्पैक्ट ऑन द बिहेवियर ऑफ द अदर। अर्थात नेशनल पावर का मतलब है जब एक कंट्री दूसरे के बिहेवियर को चेंज कर सकती है अपने कामों से, उसको नेशनल पावर बोला जाता है। अब बच्चों फॉरेन पॉलिसी क्यों बनाई जाती है, ताकि हम दूसरी कंट्री के बिहेवियर को मोल्ड कर सकें, चेंज कर सकें, उसको उसको जो उसको उसको चेंज करके हम अपनी पावर को डेवलप कर सकें। एक कंट्री दूसरी कंट्री से इंटरनेशनल रिलेशंस क्यों बनाएगी, ताकि वो खुद कंट्री पावर हो। फॉरेन पॉलिसी वो ऐसे बनाएगी कि उसका अपना कहीं ना कहीं वेलफेयर हो, उसको अपनी नेशनल पावर मिले। अब नेशनल पावर क्या होती है, हम एक नया टॉपिक डिस्कस करेंगे नेशनल पावर, उसमें अच्छे से बताऊंगा आपको, इसके बहुत सारे फैक्टर्स भी हैं, बहुत सारे इसके एस्पेक्ट्स भी हैं। नेशनल पावर का मतलब केवल फिजिकल पावर से नहीं है, जियोग्राफिकल पावर से भी है, इसका मतलब नेचुरल पावर से भी है, बहुत कुछ इसमें आता है। तो अपनी कंट्री की पावर को इंक्रीज करने के लिए, डेवलप करने के लिए हम क्या करते हैं, हम फॉरेन पॉलिसी को बनाते हैं। दिस इज द मेन ऑब्जेक्टिव फॉरेन पॉलिसी, दैट वन कंट्री वांट्स टू इंक्रीज इट्स नेशनल पावर। सेकेंड इज प्रोवाइडिंग द नेशनल सिक्योरिटी। नेशनल सिक्योरिटी का मतलब है अपनी हमारी कंट्री सिक्योर है, हम सिक्योर है। एक कंट्री नेशनल फॉरेन पॉलिसी क्यों बनाती है, दूसरी कंट्री के साथ इंटरनेशनल रिलेशंस बनाने के लिए। अब जब इंटरनेशनल रिलेशंस वो बनाएगी तो वो क्या चाहेगी दूसरी कंट्री से, कि वो कंट्री हमारी इंटरनल मैटर्स में इंटरफेयर ना करे, हमारी जो अपनी सिक्योरिटी है अपने नेशन की वो हमेशा बनी रहे, हमारे देश हमारी कंट्री सिक्योर रहे, किसी प्रकार का अनरीजनेबल इंटरफेरेंस हमारे देश की सिक्योरिटी में दूसरी कंट्री ना करे, तभी तो हम फॉरेन पॉलिसी बनाते हैं। फॉरेन पॉलिसी में लिख देंगे हम, फॉर एग्जाम्पल इंडिया ने चाइना के साथ 1954 में पंचशील आपने सुना होगा, पांच सिद्धांत के ऊपर साइन किया था इंडिया और चाइना दोनों ने 1954 में, कि हम लोग पांच सिद्धांतों का पालन करेंगे, जिसमें एक था कि कोई कंट्री किसी की नेशनल सिक्योरिटी को खतरे में नहीं डालेगा, अर्थात कोई भी कंट्री किसी की इंटरनल मैटर्स में हस्तक्षेप नहीं करेगी, किसी के ऊपर अटैक नहीं करेगी। ये इंडिया और चाइना ने फॉर्म
फॉलो किया था। ये एक फॉरेन पॉलिसी का प्रिंसिपल था इंडिया के कि हम पांच सिद्धांतों को मानेंगे और आपने भी मानना है। तो एक कंट्री फॉरेन पॉलिसी क्यों बनाती है? ताकि वो अपनी कंट्री को सिक्योर कर सके, अपनी कंट्री की नेशनल सिक्योरिटी को ऊपर लेकर जा सके। आई होप आपको समझ आ रहा होगा बच्चों। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज लाइक कर दें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। और बच्चों साथ में हमारा टेलीग्राम पेज लो विद ट्विंस, इंस्टाग्राम पेज लो विद ट्विंस, इनको जरूर फॉलो करें। हम आने वाले लेक्चर्स की अपडेट वहीं पर देते हैं। आगे मेंटेनिंग द वर्ल्ड ऑर्डर, क्यों फॉरेन कंट्री जो है, क्यों फॉरेन पॉलिसी बनाई जाती है कंट्री के जरिए? ताकि इस संसार में एक पीस मेंटेन की जाए, एक ऑर्डर मेंटेन किया जाए। अगर हर कंट्री अपनी प्रॉपर पॉलिसी बनाएगी तो कोई भी कंट्री अपनी पॉलिसी से बाहर नहीं जाएगी, कोई कंट्री किसी के कामों में हस्तक्षेप नहीं करेगी, और एक संसार में एक ऑर्डर मेंटेन होगा। सभी अपना अपना काम करेंगे, कोई किसी के काम में हस्तक्षेप नहीं करेगा। दिस इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ फॉरेन पॉलिसी, टू मेंटेन द वर्ल्ड ऑर्डर। देन प्रोटेक्शन ऑफ बाउंड्रीज एंड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी। तो फॉरेन पॉलिसी क्यों बनाई जाती है? अपने देश की बाउंड्रीज को प्रोटेक्ट करने के लिए और अपने देश की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए। अब बच्चों हम सभी को पता है कि हर एक कंट्रीज की बाउंड्रीज दूसरी कंट्री के साथ लगती हैं। तो हर एक कंट्री क्या चाहती है? जो उसकी बाउंड्रीज हैं वो सिक्योर रहें, उसमें अनरीजनेबल इंटरफेरेंस ना हो, इसलिए वो फॉरेन पॉलिसी बनाती है। दूसरी कंट्री जो नेबर कंट्री है उसके साथ रिलेशंस बनाती है, उसमें लिख देती है कि भाई आप हमारी कंट्री की फॉरेन जो बाउंड्रीज हैं उसके उसमें आप हस्तक्षेप नहीं करोगे, किसी प्रकार का आप इंटरफेरेंस नहीं करोगे। दिस इज आल्सो द ऑब्जेक्टिव ऑफ द फॉरेन पॉलिसी, इकोनॉमी डेवलपमेंट ऑफ द नेशन। तो हमारे कंट्री की डेवलपमेंट हो, ये भी एक मेजर पर्पस होता है फॉरेन पॉलिसी का। इकोनॉमिक डेवलपमेंट मतलब डेवलपमेंट रिगार्डिंग द इंडस्ट्रीज, रिगार्डिंग द टेक्नोलॉजी, रिगार्डिंग द वेरियस सेक्टर्स, प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर। तो यही होता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट ना, पैसे के रिगार्डिंग इसका लिंक समझा जाता है। तो एक कंट्री फॉरेन पॉलिसी क्यों बनाती है? ताकि उसकी अपनी कंट्री की डेवलपमेंट हो सके, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। वहां पे दूसरी कंट्रीज आके अपनी इंडस्ट्रीज एस्टैब्लिश करे, वहां पर दूसरी कंट्री अपना हेल्प दे, पैसा दे, फाइनेंस दे। तो इसीलिए हम फॉरेन पॉलिसी बनाते हैं कि हमें दूसरी कंट्री से हेल्प मिल सके। आगे नेशनल इंटरेस्ट, बच्चों नेशनल इंटरेस्ट का मतलब है एक कंट्री का अपना इंटरेस्ट। तो फॉरेन पॉलिसी का एक और ऑब्जेक्टिव ये है कि अपने नेशनल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना, नेशनल इंटरेस्ट को इनहांस करना। दिस इज द फंडामेंटल ऑब्जेक्ट ऑफ फॉरेन पॉलिसी आल्सो, टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ अ कंट्री। एक कंट्री फॉरेन पॉलिसी क्यों बनाती है? एक कंट्री फॉरेन पॉलिसी क्यों बनाती है? ताकि वो अपना नेशनल इंटरेस्ट प्रोटेक्ट कर सके। एंड फाइनली मेंटेनेंस ऑफ लिंक्स विद द स्टेट एंड नॉन स्टेट एक्टर्स, अदर जो पर्पज है फॉरेन पॉलिसी बनाने का, या इंटरनेशनल रिलेशंस भी आप बोल सकते हो, वो ये है कि दूसरे स्टेट के साथ लिंक बनाए जा सके। आज तो कोई भी कंट्री अकेली नहीं रह सकती, एवरी कंट्री डिपेंड्स अपॉन द अदर, नो वन नेशन इज सेल्फ सफिशियंट। तो एक कंट्री दूसरी कंट्री के साथ लिंक बनाएगी, तभी बनाएगी जब फॉरेन पॉलिसी होगी उसके पास प्रॉपर। तो पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव है दूसरी कंट्री के साथ लिंक बनाना, स्टेट के साथ भी और साथ में नॉन स्टेट एक्टर, जैसे कोई WTO, WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जो वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस हैं उसके साथ भी रिलेशन बनाने के लिए एक कंट्री अपनी फॉरेन पॉलिसी तैयार करती है। दीज आर सम ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द फॉरेन पॉलिसी। अब बच्चों अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे कि फॉरेन पॉलिसी के डिटर्मिनेंट्स क्या होते हैं और इंडिया की फॉरेन पॉलिसी क्या है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो सुंदर लगे तो लाइक जरूर करें, अच्छी लगे समझ आए तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच, कीप सपोर्टिंग अस।